सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 चैनल। एंड फाइनली 20 या 25 दिन बाद में जो है मैं अपनी एक न्यू वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि इतना लंबा ब्रेक मैंने शायद ही कभी लिया होगा अपने चैनल पर वो इसलिए ना क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे, वो भी ऑफलाइन थे ना, तो थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ता है, नहीं तो फेल वेल हो जाते, तो थोड़ा लेट हो गए। बाकी आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी बड़ी होगी, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको मैं बताने वाला हूँ 15 न्यू गेम्स फॉर एंड्रॉयड। और हाँ, इस लिस्ट में मैं जो है ना आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों गेम्स बताने वाला हूँ, साथ ही में बहुत अच्छे गेम्स होने वाले हैं। एंड प्रोबेबली मुझे पता है कि आपको मोस्ट ऑफ द गेम्स नहीं पता होंगे, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर भी सर्च करा था कि इन गेम्स के बारे में बताया है कि नहीं किसी ने, तो नहीं बताया बहुत सारे लोगों ने, तो आप वीडियो को पूरा देखना। एंड चलिए अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो स्टार्ट करेंगे हम हमारी वीडियो को 15 प्लेस के गेम यानी कि अ टेल इन द नील गेम के साथ, जिसका साइज़ है 28 MB और ये एक ऑफलाइन गेम है। अब बात करेंगे इस गेम की ना, तो ये एक स्टोरी लाइन वाला गेम है जिसकी स्टोरी बेस्ड है एंशेंट इजिप्ट में। और हाँ, स्टोरी समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज है गेम की, और गेम का UI बहुत ज़्यादा फास्ट है, और गेम भी बहुत मतलब क्लीन है और बहुत अच्छा गेम है, लाइट वेट गेम है। अगर आप है ना ऐसी शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा खासा एक स्टोरी लाइन वाला गेम अपने लो एंड डिवाइस में खेलना चाहते हैं तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं पेंटबॉल रश गेम की, जिसका साइज़ है 122 MB एंड ये एक ऑफलाइन गेम है। अब ये जो गेम है ना, इसके अंदर में आपको मैच देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर में ना आपको किल करने हैं और जो हाईएस्ट किल करेगा वो गेम में विनर होगा, इस तरीके से गेम का कॉन्सेप्ट है। हाँ, और पेंट बॉल देखने को मिलेगी, जो कि मतलब होली में खेलते हैं ना जिस बंदूक से, तो वही आपको देखने को मिलेगी। गेम अच्छा है, पर कुछ कमियां ये है कि गेम में बहुत सारे ही बग्स एंड ग्लिचेस हैं, जो कि अगर इम्प्रूव कर दे तो अच्छी बात है, और गेम के कलर्स भी मुझे बहुत अजीब टाइप के लगे, तो ये दो कमियां हैं गेम में। तो हमारा नेक्स्ट गेम है गन फायर, और गेम का साइज़ है 54 MB एंड ये भी एक ऑफलाइन गेम है। अब ये जो गेम है ना, एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है, और एक चीज़ बता दूँ कि ये गेम प्ले स्टोर पर नहीं है, तो आपको इसको APK कॉम्बो से डाउनलोड करना पड़ेगा। वैसे ये जो गेम है ना, इसके अंदर में भी अलग अलग मॉन्स्टर्स आएंगे, तो उन्हीं से आपको फाइट लेनी है। अच्छा गेम है, डिसेंट क्वालिटी का, पर यह है कि ज़्यादा खेल लो तो फिर बोरिंग लगता है, तो यही थोड़ा सा है ना कई गेम में वो ऐसा है, बाकी अच्छा गेम है ये भी। तो अब हम बात करेंगे लिस्ट के 12th गेम यानी कि माइटी वॉरियर की, जिसका साइज़ है 227 MB और ये एक ऑनलाइन गेम है। तो हाँ, ऑनलाइन होने की वजह से आप दूसरे अदर प्लेयर्स जैसे कि ऑनलाइन यूजर्स या अपने फ्रेंड्स के साथ में इस गेम को प्ले कर पाएंगे। बात करें गेम की ना, तो इसके अंदर में आपको अलग अलग गेम मोड देखने को मिलेंगे, और हाँ, गेम प्ले जो है ना इसका अपर कैमरा एंगल से है, तो इस टाइप के गेम ऐसे खेलते तो हैं पर बहुत कम लोग खेलते हैं, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा नीचे रखा है। पर अगर आपको इस टाइप के गेम खेलना पसंद है तो ये एक न्यू गेम है, आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सोवियत कार क्लासिक गेम की, जिसका साइज़ है 107 MB एंड ये एक ऑफलाइन गेम है। अब देखो, गेम में अगर दो कमी नहीं होती ना तो मैं इसको लिस्ट में फर्स्ट प्लेस पर रखता, इतना अच्छा लगा मुझे ये गेम। फर्स्ट तो इस गेम की जो लैंग्वेज है ना वो रशियन है, तो आपको समझ नहीं आएगी, तो इसकी वजह से हमको पता नहीं चलता कि गेम में करना क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि गेम की जो मैप ये सब है ना वो इनकम्प्लीट से हैं, तो ये दो ही कमी है। बट स्टिल मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंड गेम है उन लोगों के लिए जिनको एक बहुत ही रियल सिमुलेशन टाइप का गेम चाहिए, मतलब क्या ही गेम है, आप इसको एक बार बस ट्राई करना, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है, आप जस्ट एक बार देखना इस गेम को। तो हमारा अगला गेम है एनदर वर्ल्ड, जिसका साइज़ है 420 MB एंड ये एक ऑफलाइन गेम है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ ऑफलाइन गेम ही क्यों बताते जा रहा हूँ, तो ऑफलाइन मुझे ज़्यादा देखने को मिले, पर आपको आगे ऑनलाइन गेम्स भी देखने को मिलेंगे। बात करेंगे इस गेम की ना, तो गेम ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है गेम का, बस यही है कि डेमन्स आएंगे तो उनसे फाइट लेनी है, उनको मारना है, उनकी पावर आएगी तो उसको गेन करना है आपको। तो गेम यहीं पे कमी भी है, गेम थोड़ा बहुत खाली खाली सा लगता है, ऐसा लगता है कि एक फैन मेड गेम है। वैसे इन्होंने डेमो लिखा भी है, पर और चीज़ें लेकर आए तो गेम काफ़ी अच्छा बन सकता है। तो अब हम बात करेंगे मेटल फोर्स की, जिसका साइज़ है 1.5 GB एंड ये एक ऑफलाइन गेम है। अब ये जो गेम है ना, ये मतलब बेसिकली एक टैंक फाइटिंग गेम है, जिसके अंदर में ना आपको मतलब अपने ओपोनेंट्स को जो है मारना है। 15 vs 15 वाली बैटल होने वाली है गेम के अंदर में, तो गेम के मैच भी काफ़ी बड़े बड़े होने वाले हैं, साथ में ग्राफिक्स भी बहुत ज़्यादा हेवी है इस गेम की, तो थोड़ा आपका डिवाइस अच्छा होना चाहिए, हाई एंड डिवाइस होगा ना तभी अच्छे से गेम चलेगा। बाकी अगर आपको इस टाइप के वॉर गेम खेलना पसंद है ना, तो ये काफ़ी अच्छा एक मल्टीप्लेयर गेम है आपके लिए। तो हमारा नेक्स्ट गेम है ड्राइविंग क्लब,
जिसका साइज़ है 100 MB और ये एक ऑफलाइन गेम है। अब ऐसे तो गेम का साइज़ 33 MB है प्ले स्टोर पर आपको गेम को फर्स्ट टाइम इंटरनेट कनेक्शन के साथ में ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ एडिशनल चार्जेस मांगता है, आपको पता नहीं चलेगा, पर हाँ 100 MB के आसपास का मांग लेगा, तो 100 MB से ऊपर ही आप गेम का साइज़ मान के चलिए। गेम एक जो है ना हाईवे रेसिंग गेम है, जिसमें आपको अलग अलग गेम मोड देखने को मिलेंगे, आपको हाईएस्ट स्कोर बनाना है। मुझे गेम की ग्राफिक्स बहुत अच्छी लगी और अलग अलग कैमरा एंगल में आप इस गेम को प्ले कर पाएंगे, तो काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का गेम है। अगर आपको ऐसी फ्री टाइम में प्ले करना है तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे एल हिजो गेम की, जिसका साइज़ है 1.2 GB और ये एक ऑफलाइन गेम है। अब ये जो है ना एक स्टोरी लाइन वाला गेम है, जिसके अंदर में ना आप एल हिजो नाम के एक लड़के हैं, जिसको जो है ना अपनी मदर को फाइंड करने जाना है। तो इस टाइप की गेम की स्टोरी है, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है गेम की, और गेम की जो ग्राफिक्स है ना वो भी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी स्टोरी लगी मुझे इस गेम की। और हाँ एक चीज़ ये बता दूँ कि ये एक पेड गेम है, बाकी सभी गेम्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमारा 6th प्लेस पर गेम है रेसिंग क्लैश, जिसका साइज़ है 132 MB एंड ये एक ऑनलाइन गेम है। अब ये जो है ना एक ऑनलाइन रेसिंग गेम है, इसकी ग्राफिक्स अच्छी है पर मुझे गेम प्ले अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम जो है ना कोई एक क्या बोलते हैं रेसिंग गेम खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई एक हाईवे रेसिंग गेम है। मतलब ये थोड़ा सा अजीब लगा, कोई टर्न ये सब नहीं है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी गेम के अंदर में। बाकी अगर फिर भी अगर इस टाइप के गेम खेलना आपको अच्छे लगते हैं तो इसको एक बार चेक कर सकते हैं आप। तो अब हम आ चुके हैं इस लिस्ट के टॉप 5 के काउंटडाउन में, जहां पर हमारा 5th प्लेस पर गेम है रग्बी नेशंस 22, जिसका साइज़ है 283 MB एंड ये एक ऑफलाइन गेम है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट टाइम इस गेम को इंटरनेट कनेक्शन के साथ में ओपन करना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए, उसके बाद से आप जो इसको ऑफलाइन में प्ले कर पाएंगे। अब बहुत टाइम बाद मुझे कोई एक अच्छा ऑफलाइन में स्पोर्ट गेम देखने को मिला है। वैसे गेम जो है ना रग्बी है, तो ये जो फुटबॉल से गेम खेलना पसंद करते हैं ना फुटबॉल वाले, तो उनके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि उस टाइप से ही सिमिलर इसका भी कॉन्सेप्ट होता है। बाकी अच्छा गेम है ये भी। तो हमारा अगला गेम है री वर्ल्ड, जिसका साइज़ है 420 MB एंड ये एक ऑनलाइन गेम है। अब हाँ इस गेम को एक्सप्लेन करने से अच्छा तो मैं यही बोल दूँ, अगर आपने रोब्लॉक्स खेला है तो आप डेफिनेटली इस गेम को ट्राई करना, क्योंकि पूरा सेम रोब्लॉक्स जैसा गेम है ये भी। इसके अंदर में भी आपको बहुत सारे गेम्स देखने को मिलेगी, गेमिंग कम्युनिटी देखने को मिलेगी, जिसमें आप अलग अलग ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ में गेम प्ले कर पाएंगे। बहुत अच्छा गेम है, पर यही है कि इंडिया में नहीं आया है, तो आपको इसको APK कॉम्बो से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमारा 3rd प्लेस पर गेम है साइड हेड, जिसका साइज़ है 178 MB एंड ये एक ऑफलाइन गेम है। अब ऐसे तो है ना इनके डेवलपर्स का कॉन्टैक्ट मेंशन नहीं है, पर हाँ शायद ये एक इंडियन गेम है, क्योंकि यहाँ पर गेम के अंदर में मुझे हिंदी देखने को मिली और गेम के अंदर में जो करेंसी भी चल रही थी ना वो भी रुपीज़ में थी, तो हाँ ये शायद इंडियन गेम होगा। वैसे जो है ना गेम का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है, इसके अंदर में आप बेट लगाते हैं और जो भी फाइट जीत जाता है ना उसको मनी मिल जाती है, यानी गेम के अंदर की करेंसी मिल जाती है। गेम के मैच जो है ना सिर्फ 60 सेकेंड के हैं। बाकी इंडियन गेम में तो मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा जो कि इम्प्रूव करनी चाहिए उनको। पहली चीज़ तो ये है कि गेम में जो है ना कैमरा एंगल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही हिलता है कभी कभार, तो ये थोड़ा बहुत एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि मैच को थोड़ा बड़ा करना चाहिए, 1 मिनट का ज़्यादा बड़ा लगता नहीं है। और हाँ जो ऑफलाइन यूज़र्स हैं ना उनके लिए डिफ़िकल्टी थोड़ी ईजी है, तो उनको और जो है डिफ़िकल्ट कर दे तो अच्छी बात है, बाकी ऑनलाइन यूज़र्स के लिए तो उतना कुछ नहीं है। बाकी बहुत अच्छा गेम है और मैं अप्रिशिएट करूँगा इनके डेवलपर्स को इतना अच्छा गेम बनाने के लिए। तो अब हम बात करते हैं इन्वेंशन 3 की, जिसका साइज़ है 122 MB एंड ये एक ऑफलाइन गेम है। अब ये जो गेम है ना एक फर्स्ट पर्सन ज़ोंबी शूटर गेम है। बाकी गेम की ग्राफिक्स अच्छी है, गेम प्ले भी काफ़ी अच्छा है, स्टोरी भी अच्छी है, पर जो गेम में एक कमी है ना वो है गेम के कंट्रोल्स, यानी कि गेम के कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, थोड़े बहुत मतलब डिफ़िकल्ट लग रहे हैं लोगों को भी और मुझे भी। तो फिर भी मैंने इस लिस्ट में इसको इतनी ऊपर इसलिए रखा ना क्योंकि लोग उन जो है ना कम रेटिंग्स दे रहे हैं, फिर भी इनके जो डेवलपर्स हैं ना उसको मतलब बहुत ही एक गुड मैनर में ले रहे हैं, मतलब इम्प्रूव कर रहे हैं गेम को, तो ये इस गेम के फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और फाइनली हमारी लिस्ट का फर्स्ट गेम है रैली 1, जिसका साइज़ है 52 MB एंड ये एक ऑनलाइन गेम है। अब जो है ना बहुत टाइम बाद में जो है ना मैंने किसी एक ऑनलाइन गेम को फर्स्ट प्लेस पर रखा है। बाकी ये जो गेम है ना सबसे बेस्ट चीज़ तो ये इस गेम की है कि ये गेम सिर्फ आपको 52 MB के आसपास देखने को मिलेगा। मैंने जब इसकी ग्राफिक्स और गेम प्ले देखा तो मुझे भी लगा एडिशनल तो कुछ लगता होगा, पर कुछ नहीं लगा एडिशनल। बाकी एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, मैं इतने टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ, हमेशा मैं गेम्स में कलर्स को लेकर जो है ना बहुत बुराई करता हूँ कि इसके कलर्स अच्छे नहीं हैं। बाकी ये आज तक का मेरा एक ऐसा लोता गेम है ना
जिसकी कलर्स की मैं तारीफ करूंगा, यानी कि इस गेम के जो कलर ग्रेडिंग है ना वो इस गेम की ग्राफिक्स में और चार चांद लगा देती है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है। मतलब मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक ऑनलाइन यूज़र है और अगर आप एक लो एंड डिवाइस के लिए अपना बेस्ट रेसिंग गेम चाहते हैं ना, तो इसको आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और हाँ, आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।